नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। काले धन के खिलाफ मुहिम और तेज करेगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले दो वर्ष में 4,25,000 निदेशकों को आयोग घोषित किया गया है और 3,50,000 संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। दिवाला संहिता से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का निपटारा हुआ है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 2 करोड़ और सीटें बढ़ेंगी। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान 2 करोड़ सीटों का सृजन किया जाएगा। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। सरकार एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ रही है। इंदिरा नहर में गिरा मिनी ट्रक, 6 बच्चे लापता। लखनऊ रायबरेली बॉर्डर पर यात्रियों से भरा मिनी ट्रक इंदिरा नहर में गिर गया। इस हादसे में अन्य लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 6 बच्चे अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश के लिए SDRF की टीम प्रयास कर रही है। ये सभी लोग नवविवाहित के ससुराल में आयोजित समारोह में गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे कि नगराम थाना क्षेत्र के समय से गाँव के पास ये हादसा हो गया। विवाह बंधन में बनी बांग्ला एक्ट्रेस और सांसद नुसरत जहां। बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस और पश्चिम बंगाल की बशीर घाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी के बंधन में बन गई। विवाह समारोह का आयोजन तुर्की के बॉर्डरम में किया गया। शादी की तस्वीरें निखिल और नुसरत ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। शादी से पहले मेहंदी पार्टी और यॉट पार्टी का आयोजन किया गया। गुप्ता बंधुओं के बेटे की शादी के लिए स्विट्जरलैंड से मंगाए गए 5 करोड़ के फूल। उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन ओली में गुप्ता बंधुओं के बेटे की शाही शादी का समारोह 5 दिन तक चलेगा और इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शादी के लिए बाहुबली फिल्म जैसे भव्य सेट तैयार किए गए हैं। उद्योगपति अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत की शादी आज और उनके भाई अतुल गुप्ता के बेटे शशांक की शादी 22 जून को होगी। शादी समारोह के लिए 5 करोड़ रुपए की सजावटी फूल स्विट्जरलैंड से मंगाए गए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT टॉप पर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में MIT को पहला, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा और हॉवर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। ताजा रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 5वें से 4थे स्थान पर पहुंच गई है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4थे से 5वें रैंक पर पहुंच गया है। यूरोप की प्रसिद्ध ETH ज्यूरिस यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को पीछे छोड़ते हुए 6ठी रैंक हासिल की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने चोरी से बेच दिया देश का 60 टन सोना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने गुपचुप तरीके से अपने देश का 60 टन सोना बेच दिया है। मादुरो सरकार ने ये सोना अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए पूर्व अफ्रीका भेज दिया। युगांडा के अधिकारियों का कहना है कि मार्च में 2 फ्लाइट से $30 करोड़ से ज्यादा कीमत का 7.4 टन सोना गुपचुप तरीके से युगांडा के एक रिफाइनरी तक पहुंचा दिया गया। यहां से सोना मध्य पूर्व में भेजा गया। मदर डेयरी और अमूल को टक्कर देगा ग्रोफर्स, 12% सस्ता किया दूध। ऑनलाइन सुपरमार्केट ग्रोफर्स अब पैकेज दूध श्रेणी में भी उतर रही है। इस सेगमेंट में अन्य कंपनियों की तुलना में उसके उत्पादों की कीमत 12% कम होगी। ग्रोफर्स को पैकेज दूध के कारोबार से 30 करोड़ रुपए सालाना आय होने की उम्मीद है। ग्रोफर्स स्ट्रेटा पैक के दूध को बाजार से सस्ती दर पर लाने की कोशिश कर रही है। ग्रोफर्स ने दावा किया है कि जी फ्रेश दूध FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। धीरे धीरे साफ हो रही है क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल की तस्वीर। क्रिकेट विश्व कप के लीग मैचों का आधा सफर लगभग पूरा हो चुका है। इसके मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। इस समय पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर भारत है। भारत ने इन तीनों टीमों से एक मैच कम खेला है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले मैच में जीतने पर भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाएगा। न्यूयॉर्क में सड़क पर वर्कआउट करती नजर आई बिग बी की नातिन नव्या। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती हैं। इसी तरह का वर्कआउट करते हुए नव्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नव्या न्यूयॉर्क में सड़क के किनारे हैवी बॉल से वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो एक जिम के बाहर का है। कुछ दिनों पहले नव्या न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर और नीतू कपूर से मिलने गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।